मेम साहब, मुझे कल आधे दिन की छुट्टी चाहिए, कल वोटिंग करने जाना है। अरे चुनाव से तुम्हारा क्या लेना देना, तुम क्या करोगी वोट देके? मैं देश की नागरिक हूँ और मुझे वोट देने का पूरा अधिकार है। बड़ी समझदार हो तुम। चलो ठीक है, कल पूरे दिन की छुट्टी ले लेना। अपना कीमती वोट देकर इस देश के नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं। वोटर्स लोकतंत्र की जान है, हर किसी को वोट देने का समान अधिकार है। देश के विकास के लिए, हमारे आज और आने वाले कल के लिए, याद रखें आपका वोट अमूल्य और कीमती है, इसे जाया ना करें। रतलाम जिले की सबसे चर्चित जावरा विधानसभा सीट पर नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने पूरी ताकत के साथ अपना नामांकन दाखिल किया है। शहर से तालनाका से नामांकन रैली प्रारंभ हुई, जो शहर के सभी प्रमुख मार्गों से होकर चौपाटी चौराहे पर पहुंची, जहां वीरेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक डॉ. राजेंद्र पांडे पर जमकर निशाना साधा। सोलंकी ने कहा कि बीते 18 सालों से भाजपा की सरकार है, जहां विधायक डॉ. राजेंद्र पांडे हैं। पांडे परिवार ने जावरा में वंशवाद की राजनीति को जारी रखा हुआ है। बीते 40 सालों से एक ओवरब्रिज का नाम पर विधायक सांसद बनते आए हैं। विधानसभा में 187 गांव हैं, लेकिन विधायक ने गांव में जाकर देखा तक नहीं। सोलंकी ने कहा कि जब पैदल यात्रा के दौरान वे गांव में पहुंचे तो उन्हें भाजपा के बूथ पर बैठने वाले कार्यकर्ताओं ने अपना दुख सुनाया। मध्य प्रदेश में वर्तमान सरकार के खिलाफ जो गुस्सा और आक्रोश है, वो आपने आज की हमारी इस नामांकन रैली में देखा होगा। एक छोटे से निवेदन पर आज हजारों की संख्या में लोग यहाँ नामांकन आवेदन पत्र जमा कराने पहुँचे हैं, और हमारे साथ जो लोग हैं वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, वो कहीं बुलावी भीड़ नहीं है, वो आए हुए लोग हैं जो चाहते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार की मूर्त रूप सरकार है, इस सरकार को उखाड़ फेंका जाए। और 17 नवम्बर को एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है, जब यहाँ जावरा विधानसभा में जो नाकारा विधायक हैं, जनता के प्रति उदासीन विधायक हैं, उनके खिलाफ जनाक्रोश जो सड़कों पर दिख रहा है वो मतपेटियों में जाने वाला है। अंततः अंतिम समय पे आपने टिकट पाने सफलता प्राप्त की, किसको श्रेय देंगे? ये सबसे ज़्यादा श्रेय अगर किसी को जाता है तो जावरा विधानसभा की जनभावनाएँ, जिन लोगों ने जिनकी जनभावनाएँ थी उन सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और आम आदमी को जाता है, उसके बाद कांग्रेस हाईकमान को जाता है, जिसके कारण जिन्होंने जावरा की जनभावनाओं का सम्मान करते हुए इस टिकट को मुझे दिया है। जावरा को जिला बनाए जाने का प्रयास, इसके अलावा मूलभूत समस्याएं जिनको लेकर के मैं जावरा के गांव-गांव गली-गली में घुमा हूं, मेरे पास नोटेड है। शायद विधायक जी को पता नहीं है, क्योंकि वो 18 साल में 180 में से 18 गाँव ही लगभग ऐसे हैं जहाँ वो खुद गए हैं। मैं गांव-गांव घर-घर पिछले 4 सालों में कई बार गया, पदयात्रा के माध्यम से गया, और इसमें मुझे अलग अलग गांव की अलग अलग समस्याएं मिली। शहर का विकास अपनी जगह है, यहां बाईपास की समस्या हो, चाहे पॉलिटेक्निक को इंजीनियरिंग कॉलेज में तब्दील करने की समस्या हो, चाहे रेलवे अंडरब्रिज में को लाने की समस्या हो, चाहे अन्य कई सारे डेवलपमेंट के काम यहाँ पे शेष हैं, उन सब के साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि जब तक गाँव के विकास पर संपूर्ण ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक एक पूरी विधानसभा खूबसूरत नहीं हो सकती। अंतरकलह के बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस में कोई अंतरकलह नहीं, भारतीय जनता पार्टी जरूर इससे जूझ रही है। किसानों की समस्या घोड़ा रोज की समस्या के समाधान को कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्राथमिकता पर लिया है, और उसके स्थायी समाधान के लिए जो प्रयास किए जाएंगे, उसके किसानों के वायर फेंसिंग या घोड़ा रोड से अपने खेतों की सुरक्षा के लिए सब्सिडी का प्रावधान करने की घोषणा भी माननीय कमलनाथ जी ने की है।